दोस्तों, आज हम बात करेंगे INS विक्रांत की, जिसे 4 मार्च 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जिसने आजाद भारत की लगभग हर जंग देखी, जिसने पाकिस्तान को डरने पर मजबूर कर दिया, और जब नए रूप में आया तो भारत को मिला नया स्वदेशी एयरक्राफ्ट। क्या आप जानते हैं क्यों इतना खास है INS विक्रांत? तो दोस्तों, शुरू करते हैं INS विक्रांत के बारे में कुछ जानकारी। INS विक्रांत को बनाने की शुरुआत HMS हरक्यूलस नाम से हुई थी, और इसे भारत के लिए नहीं बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पूरा तैयार हो पाता इससे पहले ही युद्ध समाप्त हो गया और INS विक्रांत का काम रोक दिया गया। फिर आई वो तारीख जिससे जुड़ा एक पुराना किस्सा है। जगह थी उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट। भारत की उच्चायुक्त विजयलक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे HMS हरक्यूलस के डेट पर पहुंची। उन्होंने यहां इंडियन नेवी का झंडा फहराया। नेवी में शामिल होते ही इस एयरक्राफ्ट करियर का नाम रखा गया INS। INS विक्रांत ने देश के कई बड़े युद्ध देखे। पाकिस्तान तो इससे इतना खौफ खाता था कि उसने पहले ही इसे नष्ट करने का प्लान बनाया, और इसके लिए पाकिस्तान ने अपने खतरनाक पनडुब्बी TNS काजी को उतारा। सब कुछ पाकिस्तान के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन विक्रांत का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कभी मुंबई, कभी मद्रास, तो कभी फिर एक दिन 4 दिसंबर को कुछ मछुआरे TNS काजी का अवशेष लाते दिखे, क्योंकि एक रात पहले ही काजी के छड़े उड़ गए थे। अब सवाल उठता है कि काजी कैसे डूबा? पाकिस्तान का INS विक्रांत को तबाह करने का प्लान अधूरा ही रह गया। इसका नतीजा था कि जंग में INS विक्रांत ने अपने सीहॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान सैनिकों को खूब मौत और जवाब दिया। INS विक्रांत 31 जनवरी 1997 में रिटायर हो गया था। फिर 1999 में हमने कारगिल की जंग देखी, और इसके बाद डिसाइड हुआ कि इंडियन नेवी के पास अपना स्वदेशी विशाल एयरक्राफ्ट करियर बनना चाहिए, और यहां सपना 2 सितंबर 2022 को पूरा हुआ, जब INS विक्रांत भारतीय नेवी में शामिल हुआ। जब INS विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन हुआ, ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। विक्रांत 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल AK-630 रोटरी कैनर और इंडियन एनडी मिसाइल नेवल रिकॉर्ड सिस्टम से लैस है। इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट करियर की तरह इसमें MiG-29 के जैसे फाइटर जेट और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी है। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, जिसके फ्लाइट टैंक 2 फुटबॉल मैदानों से बड़े हैं। विमान वाहक पथ पूरी तरह से लोड होने पर लगभग 43,000 टन विस्थापित करता है। ये 28 समुद्री मील की अधिकतम डिजाइन गति के साथ एक बार में 7,500 कंपार्टमेंट है, जिन्हें 1600 लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष केबिन भी है। इसके एविएशन हैंगर में लगभग 20 विमान रह सकते हैं। इसमें एक बेहतरीन रसोई घर भी है, जो कई तरह के मेनू परोस सकता है। इसकी एक यूनिट भी है, जो हर घंटे 3,000 रोटियां बना सकती है। INS विक्रांत के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडुलर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, इंटेंसिव केयर यूनिट, पैथोलॉजी सेटअप,
सीटी स्कैनर के साथ रेडियोलॉजी बुक और एक्सरे मशीन, डेंटल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाओं के साथ 16 बेड का अस्पताल है। INS विक्रांत को 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसका 76% हिस्सा पूरी तरह से भारतीय है, जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर लिया है जो एयरक्राफ्ट करियर बनाने और डिजाइन करने दोनों में सक्षम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।